एंलार्जमेंट जो करवाना आप चाहते हैं क्यों? जब भी मैं टी शर्ट शर्ट वो पहनता था मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे करवाना है, मुझे अच्छा फील नहीं होता था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे गायनेकोमास्टी। आप कहाँ से हो? मैं बड़ौदा गुजरात से। अच्छा, आपने जैसे गायनेकोमास्टी ट्रीटमेंट करवाने के लिए प्लान किया तो एलिगेंस क्लिनिक का कॉन्टेक्ट आपको कैसे हुआ? मैंने प्लान किया फिर नेट पे मैं सब रिव्यू देख रहा था, तो एलिगेंस क्लिनिक का देखा मैंने रिव्यू, तो मुझे उसका रिव्यू बहुत अच्छा लगा। यूट्यूब पे बहुत सारे उसके रिव्यू भी है और वहाँ पर वो डॉक्टर आशुतोष सर है, उनका बहुत मुझे अच्छा लगा वो सब, मैंने सर्जरी देखा तो इसलिए फिर मैंने नेट से कॉन्टेक्ट किया। ओके, जैसे आपकी टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट हुआ था फिर एलिगेंस क्लिनिक से कैसे आपका कनेक्टिविटी हुई? एलिगेंस क्लिनिक का मुझे मैंने नेट पर से नंबर लिया, वहाँ पे कॉल किया तो फिर मुझे सामने से चेतन सर का कॉल आया, डॉक्टर चेतन सर, उनके साथ मेरा बात हुई और मैंने सब बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने फिर मुझे कंसल्टिंग के लिए बुलाया। जैसे आप सूरत में एलिगेंस क्लिनिक में आप आए हैं कंसल्ट करने के लिए, तो डॉक्टर आशुतोष सर ने यह गायनेकोमास्टिया ट्रीटमेंट समझाने के लिए कितना टाइम लिया था? मिनिमम 30 से 40। ये 30-40 मिनट्स में जो आपके कुछ भी डाउट्स थे वो क्या सारे क्लियर हो चुके थे? हाँ, सभी मेरे जो क्वेश्चन थे और जो डाउट था वो मैंने सब क्लियर हो गए थे, सब कुछ क्लियर। सर्जरी के पहले से आपके यहाँ से जो भी कुछ केयर लेनी थी वो डॉक्टर आशुतोष सर ने आपको बराबर समझाया था? हाँ, सब समझाया था आशुतोष सर ने, और स्टाफ के लोग भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने फैमिली की तरह बिहेव किया। ओके, आप ऑपरेशन थिएटर के दिन के माहौल कैसा था वो बताइए। ऑपरेशन के दिन बहुत कंफ्यूज था, बहुत टेंशन था मन में कि कैसे सर्जरी होगा, वो सब मन में बहुत डाउट था और टेंशन था, तो फिर आशुतोष सर ने मुझे बताया कि कुछ में ऐसा प्रॉब्लम सब बहुत सारे आते हैं केसेस ऐसे, मुझे बताया तो फिर मेरे थोड़ा डाउट कम हो गया, बहुत अच्छा सर्जरी। ओके, ऑपरेशन दिन जैसे आप ऑपरेशन थिएटर में गए उसके बाद जैसे रूम में शिफ्टिंग हुए सर्जरी के बाद, तो उस दिन यहाँ से स्टाफ की केयर कैसी थी? सर्जरी के बाद जब मैंने रूम में स्क्रीनिंग हुआ तो स्टाफ की बहुत अच्छी केयर थी, वो 2-3 घंटे में मुझे सभी संदीप सर, चेतन सर, भार्गव सर है, वो सभी मुझे पूछने आते थे कि कैसा है, बढ़िया है, वो सब हलचल और अच्छी तरह मुझे संभाला। ओके, सर्जरी के बाद की केयर यहाँ से कैसे ली गई थी? सर्जरी के बाद बहुत अच्छी केयर ली थी मेरी और सभी की तरह ही मुझे सुविधा मिली। जैसे आप डिस्चार्ज हो गए उस दिन के बाद या सर्जरी के 1 वीक तक आपको कैसे यहाँ से मैनेज हुआ था ट्रीटमेंट के लिए? डिस्चार्ज हो गया था उसके बाद 1 वीक के लिए, सर्जरी के बाद जैसे आप डिस्चार्ज हुए तो उसके बाद एलिगेंस क्लिनिक से आपकी क्या केयर ले गई थी? सर्जरी के बाद जब मैं डिस्चार्ज हुआ और घर गया तो 2 दिन के बाद फिर कॉल आया था और फिर बार बार मुझे कॉल आते थे कि आपका अभी कैसा है, अभी कुछ दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा सभी मेरी केयर कर रहे थे वहाँ कॉल करके भी सब कुछ। ओके, आप जैसे मन में सोच रहे थे कि बहुत कुछ पेन हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकती है, कुछ तकलीफ हो सकती है, तो सर्जरी से लेकर अब तक आपको ऐसा कुछ फीलिंग हुआ? नहीं नहीं, आशुतोष सर है उन्होंने बहुत अच्छा सर्जरी किया है, मुझे कुछ पेन भी नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ डाउट भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा, बहुत अच्छा सर्जरी। ओके, और जैसे बात करते हैं कि आप सर्जरी से पहले गायनेकोमास्टिया लेकर घूम रहे थे, मेल बूस लेकर घूम रहे थे, और अभी तो नहीं है सर्जरी के बाद, तो आपका फीलिंग कैसा है? अभी मेरा फीलिंग बहुत बढ़िया है, अभी बहुत खुश हूँ मैं सर्जरी के बाद। गायनेकोमास्टिया जो मुझे पहले था तो मैं बहुत कन्फ्यूज रहता था, अभी मैं बहुत खुश रह पाता हूँ और मुझे अच्छा महसूस। डॉक्टर आशुतोष सर वैसे एलिगेंस क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट, गायनेकोमास्टिया, लाइपोसक्शन सर्जरी करते हैं, ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी दोस्त को या किसी कलीग को ये कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अगर कोई करवाना चाहता है तो डॉक्टर आशुतोष सर को आप रिकमेंड करोगे? हाँ, जरूर करूँगा, कोई भी अगर होगा, मेरे रिलेशन में भी होगा, दोस्त भी होगा, तो किसी को भी मैं सलाह दूंगा कि सर्जरी अगर करवाना है तो डॉक्टर आशुतोष सर के पास ही करवाएं, बहुत अच्छा बिहेवियर और नेचर से भी बहुत अच्छा है। ओके, एलिगेंस क्लिनिक में डॉक्टर आशुतोष सर और उसकी टीम
स्टार के लिए आप 5 स्टार में से कितना स्टार दोगे? 5 स्टार में से मैं 5 स्टार ही दूंगा। बहुत अच्छा बिहेव किया सभी स्टाफ ने मेरे साथ और बहुत केयर किया मेरी। ओके सर, थैंक यू।